you all. I hope you all are fine. So as I had given you information that today I'm going to explain you about mole concept. So let us explore mole concept, which is the most difficult topic of chapter 3, atoms and molecules. So mole concept, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें बेटा हमें ये समझने की जरूरत होती है कि मोल क्या होता है. व्हाट इज वन मोल? सो वन मोल इज डिफाइंड टू बी द नंबर ऑफ एटम्स, आयंस और पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एनी एलिमेंट इज 6.022 × 10²³. मतलब ये हुआ कि वन मोल किसी भी एटम के एक मोल से हम ये समझते हैं कि एक मोल हाइड्रोजन, जैसे मैं फॉर अ शॉर्ट एग्जांपल आई कैन टेक एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन. सो हाइड्रोजन के अगर हम एक मोल की बात करेंगे तो हाइड्रोजन के वन मोल का मतलब क्या होता है? दैट हाइड्रोजन इज कंटेनिंग 6.022 × 10²³ पार्टिकल्स, एटम्स और आयंस. सो दिस इज नोन एज वन मोल. ओके, सो वन मोल आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया. एनी प्रॉब्लम? Is there any problem to all while understanding this? I think there is no problem. Okay, now let us move. Towards the numericals and on which formulas mole concept numericals is to be solved. First, my dear, let us understand few abbreviations. Mole is abbreviated as N, number of mole. Number of mole को हम लिखते हैं small n से. उसके बाद हम बात करेंगे molecular mass. Molecular mass को बेटा हम लिखते हैं capital M से, right? Molecular mass को capital M से लिखते हैं. Given mass अगर दिया हुआ, mass जो भी दिया हुआ है, given mass को बेटा हम small m से लिखते हैं. We have to write down it small m. And number of particles, if you have to find out number of particles, then it is denoted as capital N, whereas Avogadro number is known as N0, which is actually 6.022 × 10²³, which already I had told you in the beginning itself, right? So these are the few abbreviations which you must take the screenshots or you must remember this. I think all of you have studied. Okay, now let us move on to formulas which we are going to use while solving these numerical problems. So, three type of questions aate hain. Pehla question aata hai calculating number of mole. अगर आपको नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करना है, उस कंडीशन में हम बेटा स्मॉल एन इज इक्वल्स टू लिखते हैं गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास. दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज स्मॉल एन इज इक्वल्स टू स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम. दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला ऑन विच यू हैव टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम रिलेटेड टू मोल कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट, दिस इज द फर्स्ट वन. Second one is, if you have to find out the number of particles. So, number of particles. Capital N. So, here, capital N is equals to small n into N0. Means, number of mole को अगर हम Avogadro number से multiply कर देते हैं, तो हमारा number of particles या capital N निकल आता है. You can also write it like that. You put on the value of N. N की वैल्यू क्या है बेटा? कैपिटल स्मॉल m अपॉन कैपिटल m इनटू N0. सो दिस आल्सो कैन बी स्टेटेड लाइक दिस, राइट? तो दो फॉर्मूले आपको समझ में आ गए हैं.
तीसरा फॉर्मूला है कि जब आपको नंबर ऑफ पार्टिकल दिया हुआ है और एवोगैड्रो नंबर आपको ऑलरेडी मालूम है, दिया जाए या ना दिया जाए, उस कंडीशन में हम नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे। तो कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ मोल इफ नंबर ऑफ पार्टिकल इज गिवन, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल दिया हुआ है तब नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे। तो सिंपल स्मॉल n इज इक्वल्स टू कैपिटल n अपॉन n जीरो, राइट, कैपिटल n अपॉन n जीरो से हम निकाल लेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल को। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, सो चिल्ड्रन लेट अस डू द फर्स्ट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल टुडे एंड द नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट सीरीज आई विल अपलोड नेक्स्ट वीडियोस फॉर द नेक्स्ट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स। सो फर्स्ट टुडे वी विल लर्न ओनली सिंगल टाइप ऑफ मोल कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल। आई विल अपलोड थ्री सीरीज ऑफ दिस मोल कॉन्सेप्ट, सो डोंट वरी, बिकॉज आप क्लासेस में जो पढ़ते हैं वो तो पढ़ते हैं, यहाँ पे भी हमें बहुत स्लोली आराम से सीखना है इन चीजों को, है ना। क्लास में तो रिवीजन मैं करा ही रहा हूँ आपको, और बाकी स्टूडेंट्स जो हमें देख रहे हैं वो लोग भी रिवीजन कर ही रहे होंगे। तो फर्स्ट टाइप हम लेंगे, पहला टाइप क्या है बेटा, हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल। ठीक है, हमारे वीकर बच्चे जिनको याद करने में प्रॉब्लम होता है, ये क्लासेस बेसिकली उनके लिए मैंने स्टार्ट की हैं। तो आप लोग इसको देखा करिए, जब भी आपको लगे कि हाँ एक्सप्लेनेशन और सर कर देते तो आप बार बार रिपीट करके वीडियो को देखिए, बैक करके देखिए, आपके लिए है, राइट। तो नंबर कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल आपको निकालना है, तो आप जानते हैं एक नंबर ऑफ मोल कैसे निकलेगा, एन इज इक्वल टू स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम फॉर्मूले को यूज करके निकलेगा। ठीक है, सपोज अब एग्जांपल के तौर पे आपके कोई क्वेश्चन दिया गया है, जैसे मान लो क्वेश्चन दिया है कि हाउ मैनी मोल्स आर देयर इन 2.6 ग्राम ऑफ HNO3। क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2.6 ग्राम HNO3 में कितने मोल हैं, हाउ मेनी मोल्स आर देयर। तो कैसे हम इसको करेंगे बताइए, तो सिंपल आप इसको किस प्रकार से करेंगे हम बता रहे हैं आपको, इसी फॉर्मूले पे आपको रखना है। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको पहले ये समझना है कि क्या चीज कैसे हम समझेंगे कि क्या चीज दी हुई है। तो देखिए क्वेश्चन था कि हाउ मेनी मोल्स आर देयर इन 2.6 ग्राम ऑफ HNO3, ये क्वेश्चन हमारा था। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में कैसे हम समझेंगे कि क्या चीज क्या कहां पे दी हुई है, गिवन क्या है। तो हम यहां पे सबसे पहले लिखते हैं बेटा सॉल्यूशन लिखने के बाद देखा हाउ मेनी मोल्स, मींस आपको n इज इक्वल टू निकालना है देयर इन 2.5 ग्राम, इसका मतलब कि ग्राम वैल्यू देयर, ये क्या है, गिवन मास है। तो ये 2.5 ग्राम हो गया। HNO3 की बात कर रहा है तो कैपिटल M आपका HNO3 का क्या निकालेंगे बेटा, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलता है आप सबको मालूम है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, प्लस नाइट्रोजन का कितना है 14 है, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, लेकिन तीन एटम्स है तो 16 × 3 हो जाएगा, तो 1 + 14 + 48। ठीक है, आई बात समझ में, तो ये हो जाएगा 15 + 48, तो 8 × 5 = 13 कह दिया है 1 × 4 = 153 यूनिट हमारा क्या आ गया, इसका मॉलिक्यूलर मास आ गया है। ओके, सो नाउ यहां से हम आगे बढ़ेंगे, इस सेक्शन पे आ जाएंगे, यहां पे n इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल m, तो n की वैल्यू कितनी आई है बेटा, m की वैल्यू कितनी है 2.6 ग्राम है, सॉरी यहां पे 2.6 है, 2.6 अपॉन m कितना आया है 63 आया है। हमें क्या करना है, सिंपली डिवाइड कर देना है इसको, ठीक है ना। तो यहां पे आप क्या कर सकते हैं, ये डेसिमल को हटा दीजिए यहां से, तो ये हो जाएगा 260/630 हो जाएगा, ये डेसिमल हटाओगे, सॉरी 26/630 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये डेसिमल आप हटाओगे तो नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा,
अभी क्या करना है, 630 से हमें 26 को डिवाइड करना है। ओके, डिवीजन तो आप सबको मालूम होगा, आप पॉइंट रखिए, जीरो बढ़ाइए, कितनी टेबल जाएगा, ये 260 तो जाएगा नहीं, फिर आप एक जीरो लगा दीजिए, फिर आप यहाँ पे जीरो लिख लीजिए, आई थिंक ये 3 जा जाएगा, तो 3 जा जाता है, 3 0 0, 3 3 9, 3 6 24, ठीक है ना, 2490 आ गया, तो 0 10 में 9, 10 में 9 गया 1, ये बचा 5, 5 में 4 गया 1, ये हो गया 0, 110 बचा। उसके बाद फिर यहाँ पे आप जीरो लगा लीजिएगा, 1100 हो गया, अभी 2 जा जाएगा तो 12 हो जाएगा, तो ये 1 जा जाएगा, राइट। तो अभी हमारा आंसर क्या होगा, बस आपको दो डिजिट पे आंसर निकाल लेना है, पूरा डिवीजन भी करने की जरूरत नहीं। तो आंसर हमारा क्या होगा, 0.031 मोल इज अवर आंसर। कितना आसान है, सिंपल, आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं इस तरीके से, दो डेसिमल तक आपका डिवीजन आ जाए, उसके बाद डिवाइड करना छोड़ दीजिए, आप सिंपल, आपका ये आंसर हो गया, और इसी को आप चूज। एमसीक्यू पेपर अगर होगा तो एमसीक्यू में इसी के आसपास की कोई भी वैल्यू आप देख लीजिएगा, 312 या 315 इस तरीके से जो भी आएगा, तो आपको समझ में आ गया ये क्वेश्चन, राइट। अभी हम एक क्वेश्चन और लेंगे, उसके बाद मैं आपको चार क्वेश्चन दूंगा जिसको आपको करके मुझे बताना है, दिखाना है, राइट। ओके, यहां पर मैं वैल्यू बदल देता हूं, हाउ मेनी मोल्स आर देयर इन 1.5 ग्राम ऑफ, इसको कर देते हैं CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट कर देते हैं, हमने वैल्यू बदल दी और फॉर्मूला बदल दिया, फिर सिंपली हमको वही करना है, आपको स्मॉल n निकालना है, स्मॉल m दिया हुआ है 1.5, कैपिटल m आपको निकालना है CaCO3 का, देन Ca40 प्लस कार्बन का 12 प्लस 16 × 3, क्योंकि ऑक्सीजन का 16 और 3 एटम्स हैं, तो हो गया 40 प्लस 12 प्लस 48 और 12 को जोड़ोगे तो कितना आएगा बताओ, हाँ 48 250 देन 60 ना, तो ये टोटल हो जाएगा 100U, पूरे को जोड़ लोगे तो 100 यूनिट इसका एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास हो गया। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू क्या होता है, स्मॉल n इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल m, राइट, ये फॉर्मूला है हमारा, इसी फॉर्मूले पर रख दीजिए, तो स्मॉल n इज इक्वल टू कितना आ गया, स्मॉल m की वैल्यू कितनी है 1.5 अपॉन 100, राइट। आप ये पॉइंट हटा दीजिए, यहाँ पे जीरो बढ़ा दीजिए, 1000 होगा, तो 15 अपॉन 1000 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि 3 डेसिमल होने चाहिए आपके, 3 के मतलब आप डेसिमल्स लगा दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा, तो क्या आंसर हो जाएगा, 0.015 मोल, ठीक है ना, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चंस लगते हैं मोल कॉन्सेप्ट के। अभी आपको मैं जो क्वेश्चंस दे रहा हूं, 3-4 क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको आप घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा और मुझे जैसा हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी मोल्स आर देयर इन 3.5 ग्राम ऑफ CaOH का होल ट्वाइस। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ मैनी मोल्स आर देयर इन 0.125 ग्राम ऑफ C2H5OH। और थर्ड क्वेश्चन है, हाउ मैनी मोल्स आर देयर इन 52 ग्राम ऑफ हीलियम। ये 3 क्वेश्चन है जो आपको घर से करने हैं, 3 क्या मैं 4 बना देता हूं, 2 3 4, इसमें रीडिंग बदल लेते हैं, हाउ मेनी मोल्स आर देयर इन 1.5 जो दिया हुआ है इसको आप कर लीजिए 0.5 ग्राम ऑफ, ये आप कर लीजिए, इसको बना लीजिए NaCl, ठीक है ना। तो दीज आर द 4 क्वेश्चन विच यू हैव टू डू एट योर होम। ओके, तो चिल्ड्रन आई थिंक कि आपको ये मोल कॉन्सेप्ट का ये सीरीज समझ में आया होगा अच्छे से, आप इसको घर पे लगाइएगा और लगाने के बाद आप इसको कोशिश करिएगा, जो भी आपके डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में डालिएगा, मैं आपको आंसर्स जो भी होंगे मैं अवेलेबल रहेगा तो मैं आपको आंसर्स उसके बता दूंगा। चिल्ड्रन हरिओम,
टू एवरीवन। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलेगा। हरिओम। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.